धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर हो FIR, कलचुरी समाज ने की मांग। गुना SP ऑफिस पहुंचकर कलचुरी समाज द्वारा SP पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर FIR की मांग को लेकर सौंपा गया। आवेदन सौंपते हुए उन्होंने बताया कि जानबूझकर भगवान सहस्त्रबाहु जी का अपमान कर कथा वाचन करते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपमानजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया फेसबुक में अपलोड कर सोशल मीडिया में प्रचारित प्रसारित कर धार्मिक भावनाओं को भड़काकर है क्षत्रिय वंशीय कलचुरी समाज के प्रति अपमानजनक है क्षत्रिय वंशीय कलचुरी समाज के प्रति अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करते हुए जानबूझकर मिथ्या कहकर लोग शांति भंग किए जाने के कारण अपराध पंजीकृत कर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर कार्यवाही की जाए। कलचुरी समाज भारत वर्ष सहित विश्व भर में कई देशों में 15 करोड़ से अधिक आबादी निवास करती है। भगवान सहस्त्रबाहु के प्रति आस्था एवं विश्वास रखते हुए अपने समाज के आराध्य देव श्री देव भगवान सहस्त्रबाहु जी की पूजा अर्चना कई पीढ़ियों से करते चले आ रहे हैं तथा आम जनता में भी व्यक्तिगत रूप से कथा सुनाती है। कथावाचक जिसकी कथावाचन का प्रचार प्रसार टेलीविजन व सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाता है। कथावाचक द्वारा जानबूझकर मिथ्या कथा का वाचन कर वीडियो बनाकर उनका प्रचार प्रसार कर टेलीविजन व सोशल मीडिया के माध्यम से करते हुए धार्मिक शांति भंग करने का प्रयास किया गया तथा वीडियो रिकॉर्डिंग करके फेसबुक के माध्यम से प्रसारित किया गया है। निवेदन करते हैं कि धार्मिक एवं विश्वास के प्रतीक भगवान सहस्त्रबाहु जी का अपमान करने वाले विरुद्ध भारतीय दंड संहित धारा 295 का 500, 505 तथा सूचना IT एक्ट के तहत उचित कार्यवाही की जाए। किस संदर्भ में दिया जा रहा था ये ज्ञापन? हमारे इष्ट भगवान श्री सहस्त्रबाहु अर्जुन जी के विषय में जो कथावाचक श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने उनके लिए जो आप शब्द कहे हैं उसका वीडियो भी सभी जगह प्रसारित हुआ है, तो हम ये ज्ञापन दे रहे हैं कि उनकी कीर्ति तो स्वयं रामायण में महाभारत में मानी गई है। स्वयं अंगद जी ने जब वो लंका में गए तो रावण से उदाहरण दिया कि सहस्त्रबाहु जी ने तुम्हें कैद कर लिया था सार में। अब ये कौन से ग्रंथ के आधार पर किस तथ्य के आधार पर उन्हें बलात्कारी और अत्याचारी बता रहे हैं इसके विषय में हम ज्ञापन दे रहे हैं कि वो सार्वजनिक रूप से सभा में माफ़ी मांगे और श्री राम जी की कथा के साथ साथ हमारे इष्ट भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन जी की जो गुणगान रामायण महाभारत में है उसको जन सामान्य में फैलाएँ। क्या हिंदू राष्ट्र जिसकी कल्पना पंडित जी करते हैं वो ऐसे बनेगा? आज हमारी समाज की तादाद विश्व में 15 करोड़ जनसंख्या है, उनको आप अलग थलग करके क्या क्या राष्ट्र की कल्पना करना चाहते हैं? जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम दिनेश कुमार शिवरे, कलचुरी सेना उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष। कब का है जी मामला? ये मामला तो काफ़ी समय हो गया इसको, 8 से 10 दिन। इसके सभी जिलों में सिलसिलेवार ग्वालियर सीहोर इवन यहाँ के अलावा पूरे इंडिया में देश में भी इनके खिलाफ जो थाने में कंप्लेंट दी जा रही है, तो उसी तारतम्य में हमने हमारे इष्ट देव के लिए जो गलत वक्तव्य दिए हैं पंडित जी ने तो ये ज्ञापन दे रहे हैं। आज आपने कहा ज्ञापन सौंपा है? आज हम अभी देने आए हैं श्रीमान SP पुलिस अधीक्षक महोदय। क्या मांग रखी है आपने? मांग यही रखी है कि जो उनने सार्वजनिक रूप से जो आप शब्द कहे हैं उनको मंच पे आके माफी मांगे और उनके खिलाफ FIR।